अरे आ गए आप। अच्छा सुनो, मार्केट से जाके ना अमचूर का पैकेट ले आओ। अरे यार सोनिया, मैं अभी तो आया हूँ यार। तो मैं कब कह रही हूँ कि तुम अभी चले जाओ, 5 मिनट बाद चले जाना। 5 मिनट बाद भी क्यों चला जाऊंगा? हैं? ऑनलाइन मंगवा लो। अब सब चीजें मैं ऑनलाइन ही मंगवाऊंगी क्या? तुम जरा सा जाके ला नहीं सकते क्या? अरे जरा सा क्या, जरा सा अमचूर लाने के लिए जाना तो पूरा ही पड़ेगा ना तुम्हारे पति को। जब तक घर में थालियां ना बज जाए ना, तब तक इस आदमी को चैन नहीं पड़ता। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों इतनी जिद्दी हो गई हो तुम? हैं? अगर खाना सही नहीं बनेगा फिर तुम बोलोगे खाना टेस्टी नहीं बना, और सामान भी तुम्हें लाके नहीं देना। अरे यार मुझे नहीं खाना तुम्हारा एक्सपेरिमेंट। और तुम्हें क्या लगता है मैं ऑफिस में मस्ती करता हूँ? और क्या, मैं पूरे दिन घर में बैठ के मस्ती करती हूँ? तुम्हारे ही घर में सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन नौकरानियों की तरह काम करती हूँ मैं। वेट 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 वेट, तुम्हारा घर मतलब ये तुम्हारा घर नहीं है? मेरा काहे का घर? लड़कियों का कोई घर नहीं होता, और ना मेरा कोई घर है, और माए का भी अपना घर नहीं होता। और ससुराल में भी लड़कियों को ये कह के भेज दिया जाता है कि पराए घर जा रही है। अगर ये मेरा घर होता ना तो मेरी इस घर में सुनी जाती, कदर होती, आराम से रहती मैं इस घर में। यार तुम ना अब ये इमोशनल कार्ड मत खेलो, बोल तो रहा हूँ ऑनलाइन मंगवा लो। 30 रुपए की चीज 70 रुपए मंगवाने में कौन सी समझदारी है? हैं मुझे ये बताओ, आपको तो बस खर्चा करने की रहती है। मतलब आदमी को ही खर्च होना पड़ेगा, आदमी ऑफिस जाके थकता नहीं है क्या? तो क्या मैं नहीं थकती क्या? घर में पूरे दिन 50 काम होते हैं, पूरा दिन नौकरानी की तरह लगी रहती हूँ मैं। तो घर का काम तो औरत ही करेगी ना? ये पुरुष प्रधान की ना सबसे बड़ी दिक्कत है। कहाँ लिखा है कि घर का सारा काम औरतें ही करेंगी, पुरुष नहीं करेंगे? क्यों सारे विज्ञापनों में घर की औरतों को ही सारा काम करते हुए दिखाया जाता है? ये सब साजिशें हैं तुम लोगों की, सबके दिमाग में डालने के लिए कि ये सब घर के काम जो होते हैं ना ये सब औरतों के हैं। कि प्रधान, समाज, विज्ञापन, कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? अरे कहना क्या चाहती हो तुम? कपड़े धोते हुए, बर्तन धोते हुए, पोछा लगाते हुए औरतों को क्यों दिखाया जाता है विज्ञापनों में? क्योंकि ये पुरुष प्रधान की साजिश है, ये पुरुष प्रधान समाज की ही साजिश है कि ये सब काम औरतों के हैं, औरतों की ही जिम्मेदारी है ये। एक अमचूर लाने के लिए क्या मना कर दिया तूने? तो मेरे को खट्टी खट्टी बातें सुना दी। खट्टी नहीं कड़वी, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है योगेश। क्या योगेश? ओ क्या बोलूं, मुझे तो तुम्हारा नाम ही नहीं लेना चाहिए था, पति परमेश्वर। हाँ सही कहा, वो पति जिसकी कदर ना परमेश्वर के पास जाने के बाद होती है। अरे 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 तुम कुछ भी बोलने लगे। सही कह रहा हूँ सोनिया, अगर औरतों के सारे काम काज ना विज्ञापनों में दिखाए जाते हैं ना, पति भी ना बेचारे कुछ विज्ञापनों में नजर आते हैं, पता है कौन से? होम लोन के, जीवन बीमा के। और बड़ी बेशर्मी से कहा जाता है पति के मरने के बाद पत्नी को इतनी रकम मिलेगी। बेचारा आदमी कहाँ कहाँ मरे, ऑफिस में कम मरा होता है क्या जो घर आके तुम्हारे लहसुन, धनिया, अदरक और अमचूर में चूर हो जाए? और सुनो, मुझसे अच्छा पति तो वो होते हैं जो नशे में चूर होके घर आते हैं। कल संडे था यार, क्या सपने मोती चूर के देख के आया था। तुम्हारे इस अमचूर ने ना सारे मूड का चकना चूर कर दिया। तुम कुछ भी बोले जा रहे हो, मैंने तुम्हें ऐसा भी नहीं कहा था। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं कहा था तुमने, और वैसे भी मुझे बहुत कुछ तुमने कह दिया है। वहाँ माँ बाप पीछे पड़े हुए हैं, बहू का खट्टा खाने को कम मन होगा, कैसे बताऊँ मैं तुम्हें? और तुम्हारे पापा भी बार बार फोन करते हैं कि परिवार को बढ़ाने के लिए बेटा क्या सोचा है। अरे हमारी ये अमचूर की लड़ाई खत्म हो तभी तो परिवार के बारे में सोचूं ना मैं। फिलहाल तो इस अमचूर के चक्कर में ना हमारे रिश्तों में खटास ना आ जाए कहीं। कहाँ जा रहे हो अब तुम? अरे वो अमचूर लेने जा रहा हूँ ना। अच्छा अदरक भी लेते आना। अदरक? वो तुम्हें अदरक वाली चाय पसंद है ना? ठीक है जाओ। अमचूर तो मैं मंगवा के रहूंगी, वैसे नहीं ऐसे।